प्रशासनिक फेरबदल बढ़ सकता है, तो बड़े स्तर पर ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं और प्रदेश सरकार जल्द ही कुछ जिलों को लेकर इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो जिलाधिकारी समेत सचिव स्तर के अधिकारियों के पदभार बदले जा सकते हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कई विभागों की समीक्षा कर चुके हैं और कई विभागों की लापरवाह कार्यशैली को लेकर वो नाराजगी जता चुके हैं, जिसके बाद ये संभावना पूरी कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में जल्द ही देखने को मिल सकता है और निर्णय भी सरकार जल्द ही इस पर ले सकती है। तो कुछ जिलों के जिलाधिकारी समेत सचिव स्तर के अधिकारियों के पदभार बदले जा सकते हैं। कई विभागों की जिस तरह से लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी, कार्यशैली को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उससे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हालांकि काफी वक्त पहले से ही नाराज दिख रहे थे और ऐसे में उस दौरान ही ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया गया था कि इन शिकायतों के ही चलते वो वक्त दूर नहीं जब इस पर एक कड़ा निर्णय यहाँ पर सरकार ले सकती है। और फिलहाल ये कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जल्द ही निर्णय यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ले सकते हैं। तो पहले ही कई विभागों की जो समीक्षा है वो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए की जा चुकी है और ऐसे में अब सभी वो अधिकारी, सभी वही सचिव स्तर जो जिनको लेकर शिकायतें मिल रही थी। और पंकज पवार ब्यूरो चीफ देहरादून से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये जब नाराजगी जताई गई थी उस दौरान ही कहीं ना कहीं संकेत मिल गए थे कि एक प्रशासनिक फेरबदल होगा और बड़े स्तर पर होगा और जल्द होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और एक बात ये काफी समय से शासन की उसमें तैर रही थी कि बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री तक ये फाइल पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा भी इस पर मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत दो जिले तो कम से कम हटाए जाने हैं, उसमें जिलाधिकारी हटाए जाने हैं, उसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिलाधिकारियों की बात है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जो है वो 3 साल से वहां पर मौजूद हैं और जो हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री के अपने रिजर्वेशन हैं। उसके अलावा शासन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब पिछले दिनों जब समीक्षा की उसमें कई अधिकारियों की जो परफॉर्मेंस रही वो उसको लेकर मुख्यमंत्री नाराज नजर आए। ऐसे में इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि जल्द ही बड़ा फेरबदल होगा, कईयों के विभाग इधर से उधर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे माना जा रहा है यानी कि किसी पर गाज गिरेगी तो किसी को अगर काम बेहतर किया गया है तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाना तय है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये रिवॉर्ड तो अगर जिसको जिसका काम अच्छा है उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो नए जिलाधिकारी बनाए जाएंगे उनको रिवॉर्ड के तौर पर ही वहां पर भेजा जाएगा और जिनको अच्छे विभाग दिए जाएंगे वो भी एक रिवॉर्ड के तौर पर ही होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिनको हटाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है और उसकी वजह से सरकार की कई जगह पर मिट्टी पलित हुई है। उसकी वजह से सरकार की कोशिश यही है कि बस अब ऐसे अब 2 साल का समय सरकार के पास बचा है और परफॉर्मेंस देना जरूरी सरकार के लिए है, तो ऐसे में जल्द से जल्द इन अधिकारियों को। लेकिन सीएम की एक खासियत ये हमने देखी है कि अगर वो विभाग देते हैं तो उसके बाद वो कई काफी समय तक उनको खेलने का तरफ में खेलने का मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी आएंगे वो अगले 2 साल तक खेलने के लिए का मौका सरकार देगी उन्हें, लेकिन इसीलिए ठोक बजाकर मुख्यमंत्री इस बार अधिकारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।